बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 12 में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूजेस ऑफ मीथेन एंड इथेन। अल्केन सीरीज़ का ये लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम अल्कीन्स को डिस्कस करेंगे। तो अल्केन सीरीज़ में ये फर्स्ट टू कंपाउंड्स हैं, एक मीथेन फर्स्ट और दूसरा इथेन। जो नेचुरल गैस है उसमें ज़्यादातर मीथेन होती है, 80 से 85% तक उसमें मीथेन मौजूद होती है, इसलिए नेचुरल गैस को हम आमतौर पर मीथेन भी कह देते हैं। तो नेचुरल गैस जो है, जो कि मीथेन होती है, ये घरों में यानी ये डोमेस्टिक फ्यूल के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये इस फॉर्म में गाड़ियों के अंदर गैस जो है वो इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ये गैसेस जो हैं वो कई केमिकल्स की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं। वो केमिकल कौन कौन से हैं? कार्बन ब्लैक, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। ये सब कुछ आप लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड क्या होता है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है। अब ये जो केमिकल्स इन गैसेस से बनाए जाते हैं, जिनमें एक कार्बन ब्लैक भी है, इनको हम आम ज़िंदगी में भी कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कार्बन ब्लैक जो है, इसको शू पॉलिश बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, प्रिंटर की जो इंक है उसमें ये यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा रबर इंडस्ट्री के अंदर ये फिलर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्लोरोफॉर्म के यूज़ हैं। क्लोरोफॉर्म जो है ये यूज़ होता है एज सॉल्वेंट फॉर रबर, वैक्स, और इसके अलावा एनेस्थीसिया, ऑपरेट करने से पहले जब पेशेंट को बेहोश किया जाता है तो उसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है एज एनेस्थीसिया। और फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ होता है और ड्राई क्लीनिंग के तौर पर भी यूज़ होता है। ये अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं पेपर में आपके पास आ सकते हैं। क्लोरोफॉर्म के यूज़ क्या हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड के यूज़ क्या हैं, और कार्बन ब्लैक के यूज़ क्या हैं, और यूजेज ऑफ मीथेन या यूजेज ऑफ इथेन के तौर पर भी ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आपको आ सकता है। शुक्रिया।